काफ़ी कंपनीज ना 5%, 6%, 7% का डिविडेंड यील्ड देती हैं, बट मुझे डिविडेंड इनकम बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लो एक कंपनी है, उसका एक शेयर 1,000 रुपए का है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी 1,000 ही हैं। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए का और उसमें से कंपनी चाहती है डिविडेंड पे करना, बट उससे पहले 25% का कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, फिर बचेंगे मात्र 75,000 रुपए। उसमें से कंपनी अगर 50,000 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है, मतलब एक शेयर पे 50 रुपए का डिविडेंड, तो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 50 रुपए और 30% वालों के लिए 15 रुपए का टैक्स बन जाएगा, यानी मात्र 35 रुपए बचेंगे। अगर ये 50 रुपए डिविडेंड में ना मिल करके शेयर प्राइस में ही इंक्रीज हो जाते, यानी 1,000 का शेयर 1,050 होता और मैं उसको उस समय बेचता और ज्यादा से ज्यादा 7.5 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता और मेरे पास बचते 42.5 रुपीज। अब आप बोलोगे तो क्या हो गया, डिविडेंड के साथ साथ शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा, हम डबल तरीके से कमा लेंगे। बट आप जरा सोचो, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसकी खुद की रिजर्व्स कम हो जाती है, इन टर्न कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होता है, इसी वजह से शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ज्यादा मूव नहीं हो पाता।